अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जिंदगी साइकिल चलाने जैसा है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना है। ठीक वैसे ही सेहतमंद रहना है तो हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक और बात जान लीजिए, आपके पास भले ही बहुत दौलत हो लेकिन आप उसे अच्छी सेहत से खरीद नहीं सकते हैं। मतलब आपके पास पैसा हो तो आप ऐसा नहीं कि दुकान पर जाएं कहें सेहत दे दे तो सेहत आपको मिल जाए। सेहत तो सेविंग अकाउंट की तरह है जिसे चलाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी होती है जिसमें आपकी रोज की मेहनत जमा होती है। इसलिए आराम छोड़िए, दौड़ ना सके तो चले, चले ना सके तो खड़े हो जाएं, और खड़े भी ना हो पा रहे तो फिर बैठे बैठे ही योग करें। हाथ पैरों का हिलना और एक्टिव रहना क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बढ़ती उम्र का असर 30 के बाद दिखने लगता है। हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक ब्लड पंप करने की क्षमता 30 से 40 की उम्र तक आते आते 10% कम हो जाती है, जिसका असर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ता है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ बॉडी में आ रहे इन बदलावों को आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर ही स्लो कर सकते हैं। भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ये कैसे मुमकिन होगा, तो इसके लिए हम आपके लिए एक मिनट का फॉर्मूला लेकर आए हैं। क्या है भाई ये फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला मीनाक्षी? थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लें, हाथों को चला लें, पांव हैं तो थोड़ा सा पांव को गति दे दें, थोड़ा सा सिटअप्स कर लें, उठक बैठक कर लें। माना कि बचपन में टीचर्स करवाती होंगी लेकिन अब खुद कर लें। थोड़ा सा ऐसे अपनी पांव को स्ट्रेच कर लें। अक्सर वेरिकोस वेन्स की समस्या, हुसैन आपने भी देखा होगा अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों को, उनके पांव में ये प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से कुछ बहुत सही फॉर्मूला है मीनाक्षी। देखिए मैंने भी कोशिश की, दर्शक भी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले एक और बात, बस एक मिनट की दौड़ आपकी बोन्स 4% मजबूत करती है, इससे बोन्स डेंसिटी बेहतर होती है, तो ये भी ध्यान रखने की बात। हाँ, और काम के बीच में एक मिनट की गहरी सांस लेने में कितना वक्त लग जाएगा, एक मिनट निकालिए खुद के लिए, और इससे आपकी हार्ट बीट बैलेंस होती है। हर घंटे में एक मिनट की स्ट्रेचिंग एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। जब भी मौका मिले एक मिनट में 25 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक लगा लीजिए, एक मिनट रस्सी कूद लीजिए, आपके हाथ पैर कमर को इनसे जबरदस्त मजबूती मिलेगी। और आपने ये एक मिनट का फॉर्मूला अगर अपना लिया है तो बहुत बेहतर है, ना तो हार्ट की बीमारी आपको सताएगी ना ही नस नाड़ियों की परेशानी आपको घेरेगी। मीनाक्षी इन दिनों तो नसों की परेशानी यंग एज में ही दिखने लगी है क्योंकि ज्यादातर काम खड़े रहकर या घंटों एक ही पोज में बैठकर करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वेरिकोज वेन्स को ही ले लीजिए। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि वो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। पैर में नीली नीली नसों की गांठें उभरने लगती हैं, और ऐसा अगर हो रहा है तो बस समझ लीजिए कि आपको वेरिकोज हो चुका है। तभी तो हुसैन आज स्वामी रामदेव नसों को हेल्दी बनाने के लिए योग का अभ्यास करवाने वाले हैं, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम, सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो जब ऐसे पूरे अंगुलियों को पंजों को और ऐसे दबाते हैं, पूरा ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो एक एक नस नाड़ी आप देख रहे हैं ना, एक एक नस नाड़ी ऐसे लग रहा है जैसे नृत्य कर रही हो, तो ऐसे पूरा शरीर सधा हुआ हो। मैं भी 25-30 लाख किलोमीटर देश दुनिया में घूमा हूँ लेकिन मेरी तो नस नाड़ी एक भी कोई फूली हुई नहीं है। देखो कोई भी पैर की देख लो, हाथ की देख लो, पीछे से देख लो, है? या कहीं पर भी, तो ये कोई हम प्रदर्शन के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम अपने बॉडी का कोई एक्सपोजर कर रहे हैं, ये कोई सौंदर्य प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। लेकिन इधर देखो हमारे महिपाल जी का देखो, दाया पैर तो पूरी मोटी मोटी नसें, पूरा इधर जो है दाहिने पैर में, इधर बाईं तरफ से जो है पूरा ये यहाँ से, तो अब इसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स। अब ये पहले लेडीज को ज्यादा हुआ करती थी, अब जेंट्स को भी होने लग गई। अभी तो इसका ठीक हो गया, ऊपर तक था और दाहिने बाएं पैर में भी था, अब तो दाएं में थोड़ा बहुत बचा है। ये लीच लगा के, जैसे माता को लीच लगा रहे, ये लीच लगवा करके, लेप लगा करके, लेप लगाओ भाई महिपाल जी का, इसमें मिट्टी में हल्दी एलोवेरा आपामार्ग और मेहंदी मिला करके, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी मिला करके, और ये सारी चीज़ें फिर अच्छा मोटा सा लेप लगा देते हैं, धूप में सुखाते हैं, फिर दोबारा लेयर लगाते हैं,
और ऐसे फिर बैठे बैठे इनसे योगाभ्यास कराते हैं। तो ये ले, फिर ये लीच, और उधर श्रृंगी चल रही है, हमारे श्रृंगी वाले भाई श्रृंगी लगा रहे, जो गंदा खून है उसको निकाल देते हैं। तो एक तो ये अभ्यास करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, और हाथों के लिए भी, हाथों में भी किसी किसी की मोटी मोटी नसें हो जाती हैं आजकल। एक फाइलेरिया भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है ब्लड सर्कुलेशन के कारण से, न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण से। फिर ये नसों का फूलना, फिर अंदर से सूजन आ जाती है, उसको तो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो आज वेरिकोज वेंस के साथ साथ में ये फाइलेरिया का भी इलाज होगा। उसके ऊपर हम कम बोलते हैं, लेकिन वो बीमारी भी यद्यपि कम लोगों की होती है, हाथ पर ऐसे मोटे मोटे हाथी पाव फाइलेरिया बोलते हैं उसको, वो बीमारी हो जाती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने मात्र से, जैसे बताया ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी आपने और पूजा जी ने, कि एक एक मिनट के भी अभ्यास कर लेते हैं ना, एक एक मिनट के अभ्यास भी हमारी जीवन को पटरी पर रखते हैं। नहीं तो पटरी से गाड़ी उतरी फिर कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, सूक्ष्म है और इसमें बेस्ट है। सारी दुनिया सीधी चलती है, उल्टे चला करें थोड़ी देर। जो बैक वॉक है ना, ये हमारे आर्मी वाले भैया, आप पीछे चलो, उधर राजेश भी पीछे 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 चलो ऐसे, हाँ चप्पल, हाँ बिना चप्पल पहने ऐसे ही जमीन पर ही ऐसे ऐसे चलो। तो ऐसे बैक वॉक कराते हैं करीब हम 10-15 मिनट। जिनके घुटने सूजे हुए होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो बैक वॉक से भी ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और यदि कोई कर सके सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ, तो देखो ये एक मिनट से लेकर के, अब मैंने तो बचपन से ये किया हुआ है और अभी भी करता हूँ। तो देखो ये शीर्षासन बेस्ट है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे उनको जिंदगी में कभी भी वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसलिए आज जो हम बता रहे हैं इसको अच्छे से सीख लें, और सीख करके फिर डेली लाइफ में अच्छे से सीख लें और गांठ बांध लें, ताकि बीमारियों से बचे रहें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें, नसों की गांठें ना पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, नसों की परेशानी को ठीक करने के लिए आपने कई तरह की थेरेपियां भी दिखाई स्वामी जी, लेकिन ये सारी जो कहानी हो रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं आपकी तरफ, वो कहानी के बिगड़ जाने के बाद की बातें हैं। लेकिन ये नौबत ही ना आए इसके लिए जरा 10 योगाभ्यास आज बता दीजिए, ताकि नसें मजबूत रहें, वॉल्व स्ट्रांग रहें, ताकि वेरिकोज की कोई दिक्कत ही किसी को ना आए। एक तो सूक्ष्म व्यायाम बताया हाथों पैरों का, जिसकी शुरुआत मीनाक्षी जी ने और पूजा जी ने कर ही दी थी, सूक्ष्म व्यायाम करें, और फिर ये शीर्षासन, और फिर सर्वांगासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इन दो अभ्यासों का तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये ऐसे सर्वांगासन, हाथ लगा के और बिना हाथ लगाए सर्वांगासन हलासन, पहले सालंब किया था, अभी निरालंब कर रहे हैं। ये थोड़ा धीरज के साथ करना चाहिए। देखो यद्यपि करोड़ों भाई बहन हमारे साथ रोज कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम रूटीन में करते ही करते, आज जो बता रहे हैं ना, ये वेरिकोज वेंस के लिए बता रहे हैं। अब ये उत्तान पादासन, ऐसे करीब 1.5-2 फीट पैरों को उठा के रख लेना, और जो सर्वांगासन ना कर सके वो अर्धहलासन कर सकते हैं। ऐसे देखो, अब कमर उठ गई थी तो सर्वांगासन हलासन हो गया था, कमर अब जमीन पर है पूरी, और पैर घुटने सीधे ऐसे पंजे तने हुए, सांस चल रहा है। तो उत्तान पादासन, ये अर्धहलासन, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये ऐसे 2 मिनट कर लिया करें। अब इसमें डबल भी कर सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं इसको करते करते। अब देखिए ये, और अब अगला है उल्टे लेट करके ये भुजंगासन ऐसे, और ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, और
एक ये मरकटासन, ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा जो हमारा नाड़ी तंत्र है ना, उसको अच्छा करता है ये मरकटासन। ऐसे ये क्या करें, और सबसे बेस्ट है फिर, क्योंकि आज नस नाड़ियों के लिए योगा अभ्यास चल रहा है। तो स्वामी जी, आपकी स्पीड को मैच करना बड़ा मुश्किल है। सूर्य नमस्कार जो इतना कर लेंगे तो ये है ताड़ासन। लंबा सांस लिया, लंबा छोड़ा। आप मेरी एक एक हड्डी पसली को गिन सकते हैं स्वामी जी, लेकिन आम जिंदगी में इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। ऊपर से नीचे तक नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन उतने तेज होना चाहिए। वो वैसा नहीं होना चाहिए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वैसा नहीं। देखो मेरे भैया, ये जो पूरे गोलू मोलू है ना, ये पुराने जमाने की बात हो गई है, गोल मटोल हो गए, वो पूरा का पूरा घोटाला है। इसलिए माने आपके एक एक नसनाड़ी दिखे नहीं, मीन्स उसका ना पूरा का पूरा, जैसे मैंने प्राण के साथ पूरा साधा है ना, मैं अंडर वेट हूँ ना ओवर वेट हूँ, मेरा वेट है 67 वेट है मेरा। मेरा शुगर है 70-80 के आसपास, मेरा बीपी है ऊपर का 110, नीचे वेट का वाला। स्वामी जी गाना भी है, कैसे सारे पैरामीटर नॉर्मल है, लेकिन 47 वेट कुड़ी। अच्छा 47 नहीं नहीं, लेकिन स्वामी जी 47 भी वेट मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता होगा। 47 मीनाक्षी, अगर कमर 28 हो तो 47 वेट चल जाता है। ये तो जो बहुत ही दुबले पतले 5 फीट से कम के प्राणी है वो, लेकिन वो अनहेल्दी माना जाता है। तो ये जो अब देखो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास एक रिदम के साथ ऐसे, तो ये जो अभ्यास कर लेंगे ना, फिर उनको नसनाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, और पूरे परफेक्शन के साथ ऐसे साथ देंगे। हम कई बार बहुत फास्ट करते हैं ना, तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या, इसलिए मैंने आज स्लो मूवमेंट में योग किया है। ये प्राणायाम आसन ऐसे श्वास भर के, ये ऊर्ध्व हस्तासन, फिर सांस छोड़ के पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर ये दाएं भी पीछे पर्वत आसन, फिर साष्टांग आसन ऐसे, नीचे टच करना, छूना है, पढ़ना नहीं है, ऐसे नहीं पढ़, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे छूना है, फिर श्वास अंदर भर के भुजंग आसन, फिर पुनः पर्वत आसन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, ऐसे एक रिदम के साथ प्रवाह के साथ श्वास बाहर आगे झुके। तो पीछे झुके तो श्वास अंदर ऐसे, और फिर ऐसे, ये एक निरंतरता के साथ 10 बार कर ले। 10 मिनट करने में 10 बार करने में 2 मिनट लगते हैं। फिर ये वृक्षासन कर ले, तो नस नाड़ियों की सारी समस्या खत्म और पूरी ताकत रहेगी। फिर पूरा शरीर ही मजबूत बनाना है, तो जो दंड तो बता ही रही, बैठक तो बता ही रही थी पूजा जी और मीनाक्षी जी, दंड में और लगा देता हूँ। तो ये आज का स्पेशल अभ्यास हो गया नस नाड़ियों के लिए। तो ऐसे बैक वॉक करें जो हमारे आर्मी मैन कर रहे थे भाई। फिर ये वृक्षासन से लेकर के अंत में गरुड़ासन, और यदि जो हम करते हैं हाथों के बल जो चलते हैं वो मामला तो बहुत ही जबरदस्त है। यदि कोई वैसा कर सके तो देखो,
जीवन नाम है संतुलन का। हम सीधे सीधे तो दिन भर रहते ही है, जो है उल्टे भी तो थोड़ी देर रहा करें, उसी का नाम शीर्षासन है। सीधे सीधे तो रहते ही हैं, अब ऐसे भी यदि हम हो जाएं तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है, तो ये आज का पूरा पैकेज अभ्यास, अनुशासन और तपस्या, उसके बाद विलोम कर ले, ये सब कुछ हासिल होता है। स्वामी जी, जो अनुशासन आपके पास है, जो आपने जिसके आपने अपना वेट 67 पर कंट्रोल करके रखा है, ये भी सबके बस की बात नहीं है। जरा सी लापरवाही हुई और वेट बेकाबू होता है, और वजन बढ़ने से भी नसों पर दबाव पड़ता है और वेंस फिर खराब होने लगती हैं। तो जिन लोगों के वजन बढ़े हुए हैं, जिनका वजन कंट्रोल नहीं रहता, उनको भी पसीना बहाने का कोई रास्ता बता दीजिए। ये आपने एकदम ठीक कहा। ये जो अनुलोम विलोम है, ये सारी नस नाड़ियों को, जैसे हमारी सब बहनें कर रही हैं, ये बेटियां कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है। छोटी सी गुड़िया भी सीख रही है, छोटे बाबू आप भी करो, आपका भी हाथ कमजोर हो गया ना थोड़ा सा, वो वापस अच्छा हो जाएगा बाबू, कर लो। अब इस छोटे से बाबू के एक हाथ में दिक्कत आ गई है, एक पैर में नसें कमजोर हो गई है। आजकल बच्चों को सेरेब्रल पैलेसी की प्रॉब्लम और नस नाड़ियों में कमजोरी छोटे बच्चों को भी हो रही है। तो ये अनुलोम विलोम रामबाण है। फिर ये न्यूरोग्रिड, ये बड़ी ज़बरदस्त है नस नाड़ियों के लिए। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पे, खाने के बाद अश्वगंधा, अश्वगंधा, फिर ये जो है पुनर्नवादी मंडूर और ये कैशोर गुग्गल, ये नस नाड़ियों की बीमारियों में पुनर्नवादी मंडूर, कैशोर गुग्गल, अंदर चाहे इन्फ्लेमेशन हो, चाहे अंदर नसों में सूजन हो, पूरे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, उसके लिए ये परम औषधि है। गोधन अर्क भी इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर नसों में सूजन के साथ साथ जलन भी होती है, तो फिर दिव्य कैप्सूल देते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमने तैयार किया गोधन अर्क के साथ दिव्य कैप्सूल। और एलोवेरा जूस पिए, और एलोवेरा, नीम, हल्दी, जैसे मैंने बताया मुल्तानी मिट्टी, इसका लेप लगाए, और वेट ज़्यादा उससे भी ये नसें फूलती हैं फिर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उससे बाधित होता है। शेष हमने ये मिट्टी पट्टी, फिर ये लीच, देखो पी पी करके मोटी हो गई है भैया, तो ये गंदा खून पी रही है और पता भी नहीं लग रहा ना, थोड़ा सुई जैसा एक बार पता लगता है कि कुछ हुआ। और उधर श्रृंगी चिकित्सा कर रहे हैं हमारे भाई, ये एक अभ्यास। फिर ये दूसरा वेट कम करने के लिए गोधन अर्क पिए, मेदो हर्ब टी का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, और वेट गो, ये तो हमने एनिमल ट्रायल भी कर लिया। आज ही हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बता रहे थे कि हमने वेट गो चूहों पर प्रयोग किया, जो चूहों को दिया गया मोटे मोटे पतले हो गए, तो एनिमल ट्रायल में भी पास हो गया। तो मोटे मोटे आदमी यदि मेदोहर वेट गो गोधन अर्क लेते हैं, पुनर्नवादी मंडूर लेते हैं, ये सारा इसी के लिए प्रयोग। और हाँ, शाक सब्जियाँ फल खाएं, ये अलग अलग प्रकार की जो सलाद रखी है ना, ये हमने योगा ग्राम में एकदम नेचुरल वो रखी है, आप लोगों को यही सलाद खिलाते हैं। सलाद, जितने भी सलाद हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और ये जो पेड़ांतक तेल और ये जो भृंगराज का तेल देते हैं ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसे ये तो अभ्यास तो ये, इसमें शिलाजीत अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करता है, ताकत भी आती है और वेट भी कम होता है। दो, और ये तीन अभ्यास हो ऐसे लेट करके, ऐसे अभी थोड़े देर में, जैसे देखो पीपल का पेड़ तो कितना, इस पर जो अच्छे अच्छे नए नए पत्ते आए ना, ऐसे जैसे इस पीपल के पेड़ में यौवन आ गया हो, ऐसे हो गया। और इधर ये आम अब थोड़ी दिनों में इतने स्वादिष्ट होते हैं, ये जो है आम मैंने पिछली बार आपको भी भेजे थे, अभी तो थोड़े दिन में योग करने वालों की संख्या इसलिए भी बढ़ जाएगी, वो इसी लालच में रहते हैं कि अब कब गिरेगा। तो लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन,
पाद वृत्तासन, ऐसे प्रकृति के बीच में कहीं किसी को अवसर मिल जाए, कहीं अपने खेत में जा करके नदी के किनारे, साउथ में तो आ गए हैं मीनाक्षी जी, और ऐसे ये तीनों अभ्यास। वैसे तो पूरे भारत में सब तरह का वेदर होता है, इसलिए सारे फ्रूट्स जो पहले बाहर से मंगाते थे, करीब 50% से ज़्यादा फ्रूट अब 99% हिंदुस्तान में ही होने लगे, एवोकाडो से लेकर के, और ये बच्चे जो खट्टा सा क्या है बोलते हैं उसको, ड्रैगन नहीं, ड्रैगन भी बाहर से आता था, कीवी, और कीवी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, और वो कीवी ब्राउन कलर का कीवी, कीवी हाँ। कीवी बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो ये सब सारे फ्रूट्स इंडिया में होने लगे, तो फ्रेश फ्रूट्स खाया करें, खाने का मतलब ये, और मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जो है जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। और स्वामी जी, हम लोगों ने तो ये शुरू कर भी दिया है, अब गेहूं के दलिये के बजाय बाजरे का दलिया, रागी का दलिया, ये सब घरों में बनने लगा है। अच्छा स्वामी जी, खराब डाइजेशन भी क्या वेरिकोस वीन्स की वजह है, खास तौर पर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं? ये तो सारी बीमारियों की वजह है, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो इसके लिए भी उपाय बताएं स्वामी जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर रहे। जब पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा, तो एक तो ये वेट कम करने के लिए 10-20-25-50 बार ऐसे पूरा गोल गोल घुमाए, ऐसा पूरा लंबा लंबा, एक एक पैर से बता दिया, दोनों पैरों से जो ना कर पाए ऐसे ऐसे, यही। और डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है ना, तो नस नाड़ियों से लेके, हड्डियों से लेके, मांसपेशियों से लेकर के पूरा शरीर का ही ताना बाना, पूरा स्ट्रक्चर करेक्टर, पूरा बॉडी का प्रोग्रामिंग, लाइफ का पूरा डिसिप्लिन ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या करें? देखो, पाचन तंत्र के लिए बेस्ट है पवन मुक्तासन, ऐसे मात्र 5 अभ्यास बता रहा हूँ, सबको याद रह जाएंगे। एक तो ये पवन मुक्तासन बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 1-2 मिनट रुका करें, ऐसे नहीं है कि 10-20 सेकंड किया और फिर वापस में एकदम पस्त से हो जाते हैं, निदान से पड़ जाते हैं, सत्सा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। एक तो ये पवन मुक्तासन, इसका तो नाम ही स्वामी जी लगातार 2 मिनट है, फिर ये उत्तान पवन मुक्त हो गई, पवन का मुक्त कर देता है। और फिर ये नौकासन भी बड़ा जबरदस्त बैलेंस बनाएगी, थोड़ा शुरू में पैरों के नसें, पेट की नसें, पीठ की नसें थोड़ी दुखती है, बाद में बैलेंस आ जाता है ये। और एक ये सेतु बंद, ये तो रामबाण है पाचन तंत्र के लिए। मूल बंद, उड्यान बंद पूरा लग जाता है, और नाभि धरण भी इससे ठीक हो जाती है। और फिर बाएं करवट लेकर के बैठे और मंडूकासन, श्वास बाहर छोड़कर के आगे झुक गए और मूल बंद उड्यान बंद लगा के किया। एक तो ये तरीका है, ऐसे और ऐसे मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्यान बंद पूरे पेट को भी खींच लेना, और फिर आगे झुके रिदम के साथ करते हैं ना, तो कितना आनंद आता है, बस ऐसा लगता है बस इसको कर ही लो लगातार 2-3 मिनट। और जो कर लिया, जो करेगा, फिर वो तरेगा, नहीं तो बीमारियां बड़ी खतरनाक है। अब लास्ट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है पद्मासन में बैठ करके, और जिनका शरीर हल्का फुल्का है, पूजा जी आप तो पीछे से पकड़ो, बाएं पैर को बाएं हाथ से, दाहिने पैर को दाहिने हाथ से, चलो पूजा ट्राई करो, कोशिश करते हैं, और ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लो। तो ये इतना ना, ये तो पीछे से पकड़ के फिर झुके, और जो इतना ना हो पाए कोशिश कर लेंगे, पूजा तो कर लेंगे, अभी हल्का फुल्का है सर। अब ये डबल डिजिट में नहीं आई है, आदमी डबल हो जाता है उसको। हाँ स्वामी जी, थोड़ा बहुत वैसे भी सिंगल है, सिंगल बॉडी रहनी चाहिए। हाँ। स्वामी जी दूसरा हाथ बस छू पा रहा है, छू पा रहा है, पूरे शरीर
या पहुंच भी गया। चलो पूरा तुम्हारा भी पहुंच जाएगा, दूसरा भी पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। कोशिश करने वालों की वैसे एक दूसरे को अगर कभी हार नहीं, पूजा और मीनाक्षी तो आसानी से फिर पकड़ में पहुंच गया उसे। और ये थोड़ी सी हेल्प चलेगी ना स्वामी जी? हाँ हो जाता है, हो जाता है। पूरा पेट अंदर खींच के और करे ना ऐसे तो और जल्दी अच्छा हो जाता है। तो खैर आज ये पूरा पैकेज बता दिया है डाइजेशन के लिए भी। इससे ना कुछ ऊपर से निकलती है गैस, कुछ नीचे से गोमुखासन में, नहीं तो गैस और चूर्ण खाना पड़ता है, चित्रकादी वटी खानी पड़ती है, कोलाइटिस हो तो कोलोग्रिट कुटज घनवटी, कॉन्स्टिपेशन हो तो अभयारिष्ट शुद्धि चूर्ण लेना पड़ता है। तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बातें तो छोटी छोटी है लेकिन जो हम बताते हैं, अब लोगों ने मोटी मोटी डायरिया नोट कर लिए 3 सालों में, 1000 से ज़्यादा दिन हो गए। और स्वामी जी चलिए गैस का काम तो आपने तमाम कर दिया, ये सारे इंडिया टीवी के दीवाने मीनाक्षी जी जो सेना पूजा जी हुसैन अहमद जी के जी मेरे भाई डेली अगला विषय आप शामिल कर लेते हैं। क्या बात स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम करने का कुछ ऐसा काम है कि एक ही तरीके से बैठना होता है। कई बार तो बड़े बुजुर्ग इस बात पे डांट देते हैं कि बहुत सारे लोग क्रॉस लेग करके पैर पे पैर चढ़ाकर बैठते हैं, उस पे भी घर वाले डांट देते थे बड़े, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट होता है। तो क्या खराब पोस्चर जो है, गलत तरीके से उठना बैठना भी वेरिकोज वेन्स की एक वजह है? तो जरा फिर सही तरीका क्या है वो भी बता दें आप। और स्वामी जी जो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, 6-6 इंच की हील पहनते हैं उनके लिए भी, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ कुछ ऐसे ही बैठते हैं हमारे गांव में, ऐसे बैठते हैं गांव की औरतें, दादी वाला पोज है। तो ये ऐसे, फिर जो ऐसे बैठते हैं, फिर ये सोनिया गांधी वाला पोज, क्योंकि उनके घुटने मुड़ते ही नहीं, विदेशों में कभी नीचे बैठे नहीं, तो ये सब गलत पोज है। फिर ये करके ठीक करें और सीधे बैठे, बैठना सीधा है। लेटना है तो सवासन में लेटें, या जो है करवट भी लेकर के लेटना है ना, तो देखो ये घुटने पर घुटना ऐसे इस तरह से, थोड़ा तकिया करीब 2 इंच का, या दाईं तरफ से ऐसे। ये जो बाकी गलत गलत तरीके से जो लेटते हैं ना, खास करके ज़्यादातर लोग ऐसे लेटते हैं ये, अब इससे पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। उल्टा भी लेटना है तो ऐसे लेटें, ये इसमें सो तो नहीं सकते आप, फिर भी किसी को सोना है, कभी मन कर रहा है तो हथेली पर हथेली, एड़िया अंदर पंजे बाहर। अब यदि एड़िया एक एड़ी ऊपर एक एड़ी नीचे ना, तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। पहले भुजंगासन और थोड़ा सलभासन कर लेना तो ये बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। ये ऐसे, और बैठने का तरीका सही है कि ज़्यादातर तो आप घर में रहें तो वज्रासन में बैठें, और कुर्सी पर बैठते ऑफिस में बैठते तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, और बीच बीच में थोड़ा ये अभ्यास करते रहें, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे स्पाइन कॉर्ड में अच्छा रहेगा, और 33 के 33 वर्टिब्राज और 33 के 33 बॉडी के जो मेजर पार्ट्स हैं वो अच्छे रहते हैं सीधे बैठने से। लो 33 के 33 वर्टिब्राज एंड 33 बेसिक जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। ऐसे सिर के पीछे से खींचना, देखो कुछ ऐसे ऐसे खींच रहे, ऐसे नहीं, सिर के पीछे कोहनी चली जाएगी, ऐसे ऐसे ये। तो ये और सिद्धासन में या सुखासन में भी बैठते हैं तो ऐसे बैठे, ये जो ऐसे बैठते हैं ना, बोल मैं तो आराम से बैठा हूँ, रिलैक्स होके नहीं बैठे आप, आपने पूरी बॉडी को लीवर किडनी हार्ट लंग को सबको स्ट्रेस में डाल दिया। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे ना अकड़ के, कुछ ऐसे बैठते ऐसे, ये अकड़ के भी नहीं बैठना। कितना सहज है, एक स्वस्थ सुखी जीवन जीना, और चेहरा भी रिलैक्स रहे। कुछ का चेहरा ऐसे अकड़ा हुआ, कुछ का सूजा हुआ, कुछ का भारी भरकम सा, कुछ हमेशा ऐसे जैसे कि बस वही धरती पर अकेले ही पैदा हुए हैं, सब उनके गुलाम है। अच्छा स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। जी ले, तेरा इस ब्रह्मांड में तेरा जो जमीर है, तेरे महत्व है, एक अणु के बराबर भी नहीं है, एक परमाणु के बराबर, एक छोटे से पार्टिकल के बराबर है। जी मेरी बहन,
वो आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव अदर्स। तो ना कोई किसी से बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा। स्वामी जी, हार्मोनल चेंज की भी बात कर लेते हैं। हार्मोनल चेंज से भी वेरिकोस की शिकायत आती है, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान तो वेरिकोस का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई महिलाओं का तो मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, तो पाँव में गांठें बन जाती हैं। तो स्वामी जी, ये प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए भी आप बताएँ। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तीन चीज़ें रोज़ ले लेनी चाहिए, और एक दो कली लहसुन की खाली पेट ले लेनी चाहिए, और प्याज जो है अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं उससे गर्मी से भी बचाती है, और मैंने कहा मिलेट्स, मिश्रित अन्न, गो चने की रोटी जैसे बोलते थे पहले राजस्थान में, तो ये और वैसे भी जो समझदार लोग होते थे वो खाया करते थे। तो ये तो बताया मैंने, एक जनरल है उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, पूरे एनर्जी का लेवल बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेडीज़ के लिए कल मैंने स्पेशली बताया था नारी कांति सिरप और नारी कांति बॉडी, इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त हमने रिसर्च किया है कि मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होना, ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, और ये सारे तमाम तरह के उपद्रव, यूट्रस में फायरस, ओवरी में सीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवम का कम बनना, महावारी का जो चक्र है, साइकिल है, उसका डिस्टर्ब होना, और फिर जब बंद होते हैं पीरियड मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस और बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और उससे लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस से ये पेट गड़बड़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ हो गया, तो मूल पांच छह हार्मोन तो बड़े छोड़ता, बाकी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, और उससे फिर पूरा डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, मन पर भी उसका असर आता है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत इसमें बड़ा लाभ करता है, और ये नारी कांति वटी और नारी कांति शिरप, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले दशमूल पिया करते थे, अब उससे भी एडवांस हमने तैयार कर दिया ये नारी कांति सिरप, नारी कांति वटी। फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस और हो जाए तो फिर मेमोरी ग्रीन मेधा वटी और ओमेगा, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक चम्मच गाय का घी या ब्राह्मी घृत रोज लेना चाहिए, उससे फिर ब्रेन और तमाम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर और हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होते। और थोड़ा अनुलोम विलोम, एक छोटी सी बात स्वामी जी, जो लोग ओमेगा की कैप्सूल्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, वो खाना खाने के बाद लेनी चाहिए या खाली पेट भी लिया जा सकता है? जी, सारी दवाइयां जो बहुत ज्यादा जिनमें स्वर्ण आदि होता है, मोती होता है, जिनमें जो दवाइयाँ ज़्यादा गर्म नहीं होती वो खाली पेट ली जाती है, सिंपल बता रहा हूँ। और जो थोड़ी सी जिनकी पित्त प्रकृति होती है, हमने दवाइयों की डोज जो आयुर्वेद में हम देते हैं, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, ये तमाम तरह की औषधियाँ, मुक्तावती, मधुनाशिनी, मेमोरी ग्रीन टी, तो जो दवाई थोड़ी ठंडी प्रकृति की होती है उनको खाली पेट देते हैं, जो गर्म प्रकृति की होती है उनको, या 28 गुना तक डोज हमने देखी, किसी भी तरह की का कोई साइड इफेक्ट, कोई जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है, टॉक्सिक जो है नहीं होती है। खैर, तो जब भी कोई दवाई गर्म पड़े यदि, या अनुपान के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, तो जब दवाई गर्म पड़े तो सौंफ के पानी के साथ, एलोवेरा के जूस के साथ, या लौकी के जूस के साथ दे दो, कोई दवाई गर्म नहीं पड़ेगी। सामान्य दो दो गोली सुबह शाम किसी भी मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मेधावटी, कोई भी दो दो गोली सुबह शाम खाने से, जैसे वेरिकोज वेंस के लिए अभी मैंने बताया, पुनर्नवादी मंडूर, खाली पेट कैश और गूगल खाने के बाद दो दो गोली लेने से तुरंत असर होता है और कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं सुबह उठते ही, फिर नाश्ते इससे पहले, दोपहर को खाने के पहले, शाम को खाने के पहले, और फिर खाने के बाद, ऐसे चार बार भी दवाई देता हूँ, और वो कोई दवाई से उपद्रव ना हो, कोई गर्मी ना लगे, बस मेन तो यही रहता है। तो फिर उसमें सौंफ, एलोवेरा और लौकी का प्रयोग कर लेते हैं, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लेते हैं, सलाद फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेन बात थी जो बता दी हमने मेरी। और स्वामी जी, पानी जब तक बहता रहता है तब तक साफ है, और पानी अगर इकट्ठा हो जाए कहीं तो फिर गंदगी वहाँ पर पैदा होने लगती है। ठीक वैसे ही खून का काम है रगों में दौड़ते रहना, और खून अगर ठहर जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। तो आज का कार्यक्रम जिसने देखा उसको वेरिकोज वेंस की समस्या नहीं होगी। अब स्वामी जी, वक्त हो गया सवालों को शामिल करने का, और पहला सवाल प्रवीण का है। उनको फैटी लीवर की समस्या है, उनका ये फैटी लीवर ठीक कर दीजिए। तो देखो, फैटी लीवर ये प्रवीण का, प्रवीर का, सबका ठीक होगा। लिवोग्रिट और लिवामृत,
ये जबरदस्त औषधि है और इसको जैसे अनुपान की बात कर रहे थे हम अभी, सर्वकल्प काढ़े के साथ ले लें, खाली पेट नींबू की खाने के बाद लेना। हमने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की बहन को भी फैटी लीवर था, उसको ठीक किया, और 7 साल पहले की घटना है। अब तक उनको दोबारा कोई दिक्कत भी नहीं हुई है और अब तो लिवोग्रिट भी नहीं खा रही है, खाली बस अब प्राणायाम योगाभ्यास करती है, अनार का सेवन करती है। हम कहते हैं खाली पेट अनार ले लो, थोड़ा पपीता ले लो, गोधन अर्क के साथ नहीं तो ज़्यादा अच्छा होता है। फैटी लीवर में 2 चम्मच गोधन अर्क, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हनी डाल सकते हैं तो उसका सौम्य हो जाता है गोधन अर्क। तो लिवोग्रिट, लिवामृत, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पाचन तंत्र की कमजोरी, बहुत लोगों को डाइजेशन पुअर रहता है और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं इधर उधर की दवाइयों के नाम पर लोग। ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और कपाल भाति करें, मंडूकासन, पवन मुक्तासन जो थोड़ी देर पहले बताया था वो करें और ये करें। और आपने जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, ब्लड सर्कुलेशन की, तो सामान्य रूप से लगभग 3 से 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में दौड़ता है। जब हम तेज एक्सरसाइज करते हैं, तेज दौड़ते हैं, सूर्य नमस्कार तेजी से करते हैं, प्राणायाम ही ऐसे तेजी से करते हैं, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, तो 25 से 30 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होके, किडनी से फिल्टर होके बॉडी को पहुंच जाता है। इसलिए 1 मिनट की भी तेज एक्सरसाइज पूरे शरीर को नव जीवन दे देती है। और यदि किया जाए ये कार्यक्रम 5 मिनट तक, तो 100 लीटर ब्लड जो है पूरी बॉडी से हार्ट से पंप होके, किडनी से फिल्टर होकर के शरीर को मिल जाता है जी। तो ये बड़ी बात है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी करमजीत का है, उन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, तो साइनस की प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि साइनस के इश्यूज हमने स्वामी जी देखे, अभी भी वैसे भी अभी मार्च के बाद अप्रैल का महीना चल रहा है, तो काफी लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड वैसे भी ज्यादा बढ़ जाता है, मौसम परिवर्तन होता है तो वात भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, और इसमें पता भी लग जाता है आपकी प्रकृति क्या है। तो कफ प्रकृति वालों का कफ बढ़ेगा तो अणु तेल का नशे करें, खाली पेट श्वासारी खाने के, अथवा ब्रोनकोम जिनकी पित्त प्रकृति है तो श्वासारी थोड़ा सा गर्म होती है, और ये कंठामृत चूस लें, कंठामृत और ब्रोनकोम, ये तो पित्त प्रकृति वाले भी ले लेंगे तो कफ कोल्ड पूरा खत्म। और थोड़े दिन बाकी सब चीज़ें बंद करके थोड़ा सा चना खाएं, अनार, खजूर और पपीता, बस इसी का सेवन करें, अनाज बंद कर दें 1 सप्ताह के लिए, पूरा कफ कोल्ड पूरा खत्म। इतना ज़बरदस्त इन चीज़ों का असर होता है। वात है तो फिर हम वात की बस्ती कराते हैं, पीड़ांतक वात की, रक्त मोक्षण करा देते हैं जो अभी तरीके देख रहे हैं, श्रृंगी और लीच आदि के, और बस्ती और उपवास वात के लिए। पित्त के लिए एलोवेरा, वेटाग्रास और अनार, गाजर, चुकंदर, इनका प्रयोग, सलाद का अधिक प्रयोग, लौकी का जूस, ये पित्त के लिए। तो त्रिदोष प्रकोपित होते हैं संध्या काल में, जब 2 ऋतुओं का की संधि होती है, तो उसका भी उपाय मैंने बता दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं जो कि अर्पिता का है, उनके पिताजी को हाई बीपी और डायबिटीज की समस्या है, कोई उपाय बता दीजिए। तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस ही पर्याप्त है, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और शुगर के लिए खाली 2 ही आसन कर लें, ऐसे वज्रासन में या सुखासन में बैठ के आगे झुक गए ऐसे हाथ रख करके, और ये अर्पिता जी से लेकर के किसी के भी पिता को माँ को शुगर है, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। आज ही हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बता रहे थे, हमने मेटाफॉर्मिन जो खाते हैं लोग एलोपैथी की, 1000 mg की डोज सुबह शाम खा रहे थे और 100 यूनिट इंसुलिन लगा रहे थे, उन तक को भी ठीक कर दिया, नॉन डायबिटिक कर देते हम। खाली पेट मधुनाशिनी, उसके साथ इम्यूनोग्रिट और ले लें, और खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते हैं, और किसी के पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो, पेनक्रियाटाइटिस हो, तो हम इसके अंदर पेनकोग्रिट देते हैं, और ये पेनक्रियाज का पॉइंट दवा देते हैं। शुगर एकदम 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाती है। HbA1c जब 6 से नीचे आ जाए तो हम 5-5.5 तक ले आते हैं, जिनकी 12 से 16 तक HbA1c थी, तो ये बड़ी बात है डायबिटीज के पेशेंट का नॉन डायबिटिक होना, पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तो अब किसी को भी बीपी शुगर नहीं होगा, सब क्योर होंगे। और थायराइड है तो ये पॉइंट दवाएं, थायरॉइड धनिया के पानी के साथ ले लें, बीपी शुगर थायराइड की आपको रोज दवाई खाते हैं लोग, बीपी शुगर थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल क्या रहे भाई, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम ले लो, लौकी घनवट्टी ले लो, लौकी का जूस पी लो, गर्म पानी पी लो, अर्जुन की छाल दालचीनी ले लो, नहीं तो लहसुन खाली पेट खा लो, प्याज खा लो एक रोज,
रोज दवाइयां खा रहे हैं लोग, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, गैस, एसिडिटी की, प्राणायाम कर। बीपी, शुगर, गैस और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी। स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। नसों को मजबूत करने का क्या कोई खाने पीने की, अगर थाली में हम कुछ चेंज कर लें, कुछ बेहतर कर लें, तो उससे भी क्या नसों को मजबूती दी जा सकती है? आप उसकी तैयारी करें, लेकिन नौली क्रिया देख लेते हैं जरा। पेट की मिक्सी चलती रहनी चाहिए। बहुत शानदार। स्वामी जी, आप तैयारी करें, मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। देश कैसे बनेगा फौलादी, कैसे मिलेगी रोगों से मुक्ति, शुगर, बीपी या थायराइड, हार्ट डिजीज, स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक स्ट्रेटेजी, फिट बॉडी, प्रचंड आत्मविश्वास, युवाओं के लिए अखाड़े वाली योगा क्लास, कल लगने वाली है अखाड़े वाली योगा क्लास, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। लग रहा है बड़े दंड बैठक लगानी पड़ेगी कल। रंग बिरंगे पत्ते, और उसके लिए आज तैयारी करके आना जी। अच्छे से गाय का घी खा के आना, पतंजलि का, थोड़ी सलाद खा के आना, फ्रूट्स खा के आना। फिर लेटुस के जो है ना, कई प्रकार के अपने ये योग ग्राम निरामय में बो रखे हैं पूरे। और फिर ये सी चार्ज भी, ये पहले विदेशों में होते थे ये सारी सलाद, या कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते थे, या कोई वहाँ पर कोई इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में मिलते थे, हमने ये यहीं पर सब कर दिए तैयार। और ये सलाद ले लें, और ये सलाद के ये ना बहुत बहुत नाजुक से पत्ते हैं इसके सारे, तो थोड़े से तो ये पत्ते ले लिए, और इन पत्तों के साथ साथ विदेश में तो लोग इसमें सरसों का तेल या एक और दूसरा भी तेल डालते हैं, हाँ, ऑलिव ऑयल। ये अब इसमें सबसे, अब देखो ये जो, हाँ, फिर ये अनानास से लेकर के, और स्ट्रॉबेरी और पपीता, अंगूर, ये सब डाल देते हैं ना, इतना स्वादिष्ट बन जाता है। केला भी थोड़ा सा डाल दे तो खट्टा मीठा अपने आप ही हो जाता है। थोड़ा सेव डाल दिया, सारी चीज़ों को, संतरा डाल दिया, और अनार डालने पर तो वैसे भी रंग बिरंगा हो जाता है। तो ये सारी जो सलाद है ना, वैसे मैं तो बिना ही नमक के खाने वाले पक्षधर हूँ। और ये स्ट्रॉबेरी भी देखो, ये एकदम फ्रेश वाली, अपने खेत से जो है, फार्म फ्रेश है, एकदम देखने में भी बोलते हैं कि मुंह में पानी पड़ रहा है, आ तो रहा है, पकने वाला है। तो ये हमने ये फ्रूट चाट मसाला भी थोड़ा सा दे रखा है, बिना मसाले के ही खा सकते हैं, और कितना अच्छा लगता है इसको बिना मसाले के, बिना नमक के भी खाएं। और जो थोड़े से चटोरे हैं तो पतंजलि चाट मसाला थोड़ा सा मिला दे और इसको खा ले। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये शहतूत तो मैंने इसे अलग रख रखा है, इसको तो ऐसे ही खाओ ना, इतना स्वादिष्ट लगता है। अब देख के बहुत ज्यादा जो है वो तो मन विचलित हो, उससे सप्ताह में एक दिन तो ऐसा खा ही लिया करें, आपसे अनुमति ले ली जाए, ललचा रहा है। बहुत बहुत अनुलोम विलोम करना, संयम आ जाएगा। नहीं स्वामी जी, संयम चल रहा है, आज 20वां रोजा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी।